सो गाइस वेरी गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम सर फ्रेंड्स, वेलकम करता है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मेक मनी गुरु पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के ऊपर। जैसे कि मैंने कल अपडेट दिया था टेलीग्राम के ऊपर कि मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने वीडियो देखा है लास्ट टाइम का अगर वीडियो नहीं देखा जहाँ पर मैंने बिटकॉइन का आपको एस्टिमेशन दिया था कि बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है और कौन से लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद हमको ये आइडिया होगा कि भाई मार्केट नेक्स्ट कहाँ पर जाएगा। तो लेवल फाइनली ब्रेक हो चुका है, मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन तरीके से उसने ब्रेकआउट किया है। अगर आपने ये वाला वीडियो ये वाला वीडियो नहीं देखा जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था इस वाले यानी वन मंथ पहले भी बिटकॉइन कहाँ तक मूवमेंट ले सकता है और ऑलमोस्ट मार्केट वो हिसाब से अपना ट्रेंड को उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, यहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हो। यानी इन शॉर्ट मैंने आपको जहाँ पर टाइम टू टाइम जो रेजिस्टेंस लेवल्स थे मार्केट के अंदर, कौन से लेवल ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट कहाँ तक या कौन से लेवल तक जा सकता है, उसके बाद मार्केट कहाँ पर जाएगा, जो चीज़ हमने देखा था वो चीज़ ऑलरेडी मार्केट उस लेवल को ब्रेकआउट किया है। अभी हम बात करेंगे बिटकॉइन कहाँ तक जाने का चांसेस है। ऑलमोस्ट हाल्विंग की अगर हम बात करें तो 12 दिन यहाँ पर बाकी है हाल्विंग को लेकर, काफ़ी कम टाइम बाकी है और मेरे हिसाब से मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, फोमो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो जो लोगों ने बॉटम पे एंट्री नहीं किया था, देखिए ट्रेडिंग व्यू पे भी मैंने काफ़ी टाइम पहले की अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पर पोज भी किया था जब मार्केट ऑलमोस्ट इस वाले बॉटम को यानी मार्केट जब 4000 को बॉटम को टेस्ट किया था उस टाइम भी मैंने पोज किया था कि मैं जिसको बिटकॉइन को अगर बाय करना है, जो बाय करने का चाहते हैं या सोच रहे या मेरे हिसाब से ये टाइम सही है बाय करने का, तो उस टाइम मैंने आपको पोस्ट करके बताया था। तो एक देखिए एक लेवल्स होता है हर चीज़ को परचेज करने के लिए, हमको एक लेवल मिलता है, मार्केट अगर उस लेवल पर आता है तो हम उसको उस लेवल पर परचेज करते, मार्केट अगर उस लेवल से दूर चला जाता है तो वहाँ पर भी हम परचेज कर सकते हैं, लेकिन हमको फिर लेवल ब्रेकआउट का वेट करना होगा। अब मुझे बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर अभी बिटकॉइन बाय करना सही होगा नहीं होगा, क्या चांसेस है, मल्टीपल एजम्पशन हमने देखे थे। तो वो हिसाब से अगर हम बात करें तो कुछ लेवल्स थे, वो लेवल्स को मार्केट ने अभी टेस्ट किया है, अगले लेवल्स कहाँ पर आएंगे कैसे रहेगा वो एनुअल टाइम के अंदर मैं आपको अपडेट दूंगा और मार्केट वो हिसाब से कौन से लेवल तक जा सकते हैं इस फिलहाल हम वीडियो में बात करने वाले, या जो लोग बिटकॉइन होल्ड करने का फिलहाल परचेज करने का सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि मैं बताऊंगा कौन से लेवल के बाद आप अगर चाहो तो मार्केट में या बिटकॉइन को आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिए लेवल ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक वो एनालिसिस नहीं मिल रहा है फिलहाल, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा दोबारा से। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बिटकॉइन के ऊपर और हाल्विंग को लेकर भी बात करेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है, बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो का स्टार्ट किया है तो वीडियो को एंड तक देखो, उसके बाद ही वीडियो को कट करो, क्योंकि अगर आप हाफ वीडियो देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी अधूरी मिलेंगी और हाफ इन्फॉर्मेशन हमेशा खतरनाक होती है। ठीक है, सबसे पहले हम वीक बेस पर बात करेंगे। वीक बेस पर अगर आप कैंडल्स देखिए, टेक्निकल चार्ट नहीं पता है ना, सिर्फ कैंडल्स को देखकर आप आइडिया ले सकते हो कि कैंडल्स मार्केट क्या बताना चाह रही है। यहाँ पर बिल्कुल एक इनडिसीजन क्रिएट था यहाँ तक, ठीक है, इस दो वीक तक मार्केट में बिल्कुल इनडिसीजन था, लेकिन यहाँ पर एक्शन मार्केट ने कुछ और साइन किया था, यहाँ पर भी इनडिसीजन मार्केट ने क्रिएट किया था, लेकिन यहाँ से आप अगर इस लेवल को वॉच कर रहे हो, ठीक है, इस लेवल को यहाँ पर देखो, डाउन साइड से शेडो मतलब अप साइड में मार्केट पुशअप दे रहा है, यहाँ पर डाउन साइड में नो शेडो है, वीक बेस का है, फिलहाल 3 दिन 16 घंटे बाकी है कैंडल क्लोजिंग के लिए और हमें एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ पर अप साइड में कम से कम शेडो छूटे, चांसेस तो है कम से कम शेडो छूटेगा, क्योंकि फंडामेंटल न्यूज काफी स्ट्रांग है, हाल्विंग है तो मार्केट ऑब्वियसली बात है ब्लॉक रिवार्ड कम होने जा रहा है, तो वही सबसे प्राइस को अप ही जाना है, बट बोल नहीं सकते, मैनिपुलेशन है, कहीं पर भी कुछ भी हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन यहाँ पर हम जो कर रहे थे लास्ट टाइम का वो रिपीट मैं यहाँ पर करवा देता हूँ कि यहाँ पर मार्केट ने 3900 को बॉटम बनाया था, एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट ऑलमोस्ट 3000 को टेस्ट करे, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैटर्न हमारा बन रहा था और करेंटली अगर हम बात करें तो मार्केट फिलहाल उसी स्ट्रक्चर के अंदर में अवेलेबल है। मतलब एक लेवल तो हमारा एज पर फिबोनाची जो मैं $8000 का लेवल आपको बता रहा था, वो लेवल एज पर फिबोनाची ब्रेक हो चुका है। अगर हम फिबोनाची को लगाएं
फिबोनाची का हम सभी को पता है 0.61 0.50 का गोल्डन रेशियो होता है, मतलब मार्केट का जो चांसेस था 7971, मैंने जो एक राउंड फिगर करके 8000 आपको दिया था डॉलर के अंदर, वो मार्केट ने हेल्दी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है। अगर मार्केट 3 दिन तक इसी तरह के हेल्दी कैंडल के साथ क्लोजिंग करता है, मतलब इन शॉर्ट अगर मार्केट 9122 डॉलर के नियरेस्ट या उसके अबव इसी तरह 3 दिन के बाद यानी वीक के कैंडल के हिसाब से क्लोजिंग करता है, तो एनुअल टाइम के अंदर आप रेडी रह सकते हो 14,000 डॉलर के लिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कैंडल क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं वीक के बेस पर बता रहा हूँ। तो एनुअल टाइम के अंदर आपको 14,000 और फाइनल की बात करो तो 21,000 डॉलर आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। आने वाले और भी रेजिस्टेंट है वो एनुअल टाइम के अंदर डिस्कस हो जाएंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं कि ये डे के अंदर क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, डे के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। डे की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, वही सेम स्ट्रक्चर है। डे की अगर बात करें तो करंट कैंडल को 15 घंटा बाकी है और कैंडल थोड़ा सा नेगेटिव साइन शो कर रहा है। जो रेजिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट था वो बिल्कुल एक हेल्दी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है, बट यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। अभी तक यहाँ पर रिवर्सल कन्फर्म नहीं हुआ है, तो जो लोग बिटकॉइन मेरे हिसाब से परचेस करने का सोच रहे तो यो इस लेवल का वेट करो, ठीक है, ये लेवल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लेवल का वेट करो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है मार्केट इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद पुल बैक लेंगे नहीं लेंगे वो मार्केट पे डिपेंड है। लेकिन अगर मार्केट इस तरह का सिनेरियो हमको प्रिंट देता है, मतलब मार्केट 11,000 के नियरेस्ट के अबव जाकर वापिस अगर 10,300 को होल्ड करता है, तो यहाँ पर आप बिटकॉइन को जाकर परचेस कर सकते हो। बड़ा रिपीट करवा रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग परचेस करने का सोच रहे हैं, ये लेवल मैंने ड्रॉ किया हूँ 10,500 का। जब तक ये 10,500 लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता है, ब्रेकआउट के बाद, अब ब्रेकआउट को हमेशा याद रखो, कैंडल क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मान के चलो यहाँ से कैंडल आपका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये कैंडल आपका ब्रेकआउट हुआ है। अब ये है मान के चलिए आपका बुलिश कैंडल, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये मान के चलिए आपका बुलिश कैंडल है और इसको हम अपसाइड से बना देते हैं शेडो। अगर इस टाइप का ब्रेकआउट आपको मिलता है तो आप ये कह सकते हो कि ये फिलहाल एक हेल्दी है, या इससे ऊपर मिलता है तो इसको आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मान सकते हो। लेकिन अगर आपको इस टाइप का ब्रेकआउट मिलेगा, क्या पहला मार्केट ब्रेकआउट हुआ, देयर मार्केट रिवर्सल हुआ और इस टाइप का शेडो, इतना बड़ा शेडो अपसाइड में छोड़ दिया, तो फिर आपको यहाँ पर बाय नहीं करना है, क्योंकि हेल्दी कैंडल ब्रेकआउट जैसे कि इस कैंडल पे हमको डेली कैंडल पे जो 8,000 डॉलर का ब्रेकआउट हुआ है, उस कैंडल को आप देखो, अगर उस टाइप का ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट देखने को मिलता है, डेफिनेटली आप यहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो। और मेरे हिसाब से जहाँ पर आपको एक पैराबॉलिक मूव मिलता है उसके बाद माइनर सा करेक्शन में आएगा, तो अगर मार्केट यहाँ से एक पैराबॉलिक मूवमेंट लेता है और तो करेक्शन भी लेगा, यानी 10,500 के लेवल पर ड्रॉप हो सकता है, और फिर से अगर यहाँ पर आपको कोई पॉइंट मिलता है, लेवल मिलता है बाय करने के लिए, तो फिर आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए है जिसने बिटकॉइन को बाय नहीं किया है और बाय करने का सोच रहे, क्योंकि काफ़ी लोग मैसेज कर रहे कि उन्होंने USDT को कन्वर्ट किया था और फिलहाल वो एंट्री लेने का सोच रहे, तो ये लेवल मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट है। 10,500 लेवल ब्रेकआउट हेल्दी कैंडल, दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ब्रेकआउट का मतलब ये समझते हैं करंट मार्केट चले गया। अगर वन डे के हिसाब से ब्रेकआउट होगा ना, तो वन डे का कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, नेक्स्ट डे पे आपको चेक करना है और उसके बाद आपको एंट्री लेना है, ठीक है। तो ये एक फिलहाल करंट सिनेरियो अवेलेबल है बिटकॉइन का। सेकंड सिनेरियो की अगर बात करें, अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो जो हमारा लास्ट टाइम का सिनेरियो था 3,000 डॉलर का, तो मेरे हिसाब से वो लेवल आएगा, और 3,000 नहीं उससे डेंजरस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैनिपुलेशन को लेकर, क्योंकि ऑयल को अगर आपने देखा है तो जो हिसाब से मैनिपुलेशन वहाँ पर क्रिएट हुआ था वो हिसाब से यहाँ पर मैं बात करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो मार्केट ऑलमोस्ट 2,000 या उसके नियरेस्ट जाके मैनिपुलेट करके वापस रिवर्सल हो सकता है। ये सेकेंड सिनेरियो है। ये सिनेरियो कब का है कि अगर ये लेवल यानी करंटली 10,500 का लेवल अगर ब्रेकआउट नहीं करता है, तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि मार्केट यहाँ से वापस डाउन साइड में आ सके। फिलहाल मार्केट में मोमेंटम के हिसाब से अगर बात करूँ तो कल तक का मार्केट का मोमेंटम काफ़ी बेस्ट था। अगर हम ये हिसाब से बात कर रहे हैं कि भाई वीक के हिसाब से अगर हम बात करें, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो मोमेंटम वीक के हिसाब से भी काफ़ी बेस्ट है, लेकिन लेवल ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, जो मार्केट में पर्सनल एक्सपेक्टेशन है मार्केट एज पर टेक्निकल कंसेप्ट के हिसाब से, वो चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको लाइट कॉइन का याद है तो लाइट कॉइन भी हालविंग के बाद ड्रॉप हुआ था। पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वेल्स लोग उसको मैनिपुलेट करें, फुल पॉसिबिलिटीज हो सकती है,
बट हमको पॉजिटिव सोचना है, बट जो लोग लॉन्ग करने का सोच रहे हैं तो इस लेवल के बाद यहाँ पर बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं। और एक बार ये लेवल ब्रेकआउट हो गया तो समझ लो $21,000 नियर है आपके, इंशाल्लाह एनुअल टाइम के अंदर आपको बिटकॉइन उस लेवल पर देखने को मिल सकता है। अब ये हो गया चार्ट पैटर्न के हिसाब से, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट में बात करूँगा सपोर्ट और रेजिस्टेंट के हिसाब से, जो कि प्योर प्राइस एक्शन माना जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो मल्टीपल एनालिसिस हम करेंगे, अलग अलग चीज़ों को लेकर, चार्ट पैटर्न्स को लेकर एनालिसिस करेंगे, प्लस डोमिनेंस मार्केट कैप को लेकर एनालिसिस करेंगे। हमको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक क्या जाना चाहता है, कौन से लेवल से। ठीक है, अब अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करें तो क्लियर लेवल है 10,500 का। ठीक है, 10,500 का यहाँ तक लेवल इंशाल्लाह जाएगा, उसके बाद मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है जो एक्सपेक्टेशन है वो हिसाब से मार्केट मूवमेंट लेगा। अब वही चीज़ है, अब देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आप यहाँ पर इस लेवल को वॉच कर रहे हो ना, अगर आप इस लेवल को वॉच कर रहे हो तो ये लेवल एक बार ब्रेकआउट हो जाएगा तो एनुअल टाइम का आपका 11,000-12,000 लेवल मिलेगा। और अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो वही हिसाब से अगर लेवल ब्रेकआउट होगा तो 17,000, देन आपका 19,000 जो एज पर हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई का प्राइस अवेलेबल है। अब जो हिसाब से मार्केट यहाँ से बॉटम बनाया है, स्विंग पॉइंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट लोअर लो स्ट्रक्चर बना रहा है, बट यहाँ पर मार्केट लोअर लो नहीं, लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाया था, बट मार्केट फिर दोबारा लो यानी प्रीवियस लो पॉइंट के हिसाब से मार्केट डाउन गया, यहाँ से मार्केट हाई जा रहा है। तो मतलब मार्केट को इस हाई के अबव, मतलब इस हाई के अबव जाना है तो मार्केट का एक्चुअल स्विंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, और एक बार ये स्विंग पॉइंट चेंज हो जाए तो इंशाल्लाह तआला आपका मार्केट $20,000 के नियरेस्ट उसके अबव जाने का चांसेस अवेलेबल है। तो ये एनालिसिस है एज पर प्राइस एक्शन, एज पर चार्ट पैटर्न, एज पर स्विंग पॉइंट्स, क्या मार्केट कहाँ तक या कौन से लेवल तक जाने का फुल्ली चांसेस अवेलेबल है, ये लेवल्स को आपको वॉच करना है, उस लेवल के हिसाब से आप उस पर नजर रख सकते हो। अब डे के हिसाब से एक और एक लेवल बता दो, एज पर फिबोनाची पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर करेक्शन हमको देखने को मिलेगा, एक हेल्दी चीज है, 61 ब्रेकआउट हो चुका है, पॉसिबिलिटीज जो हमारा कंफर्मेशन पूरा हो चुका है, इंशाल्लाह यहाँ से मार्केट डाउन आ सकता है वापस 7,900 तक, लेकिन वापस यहाँ से अपसाइड में मूवमेंट लेगा। क्यों? क्योंकि जो दो गोल्डन रेशू माने जाते हैं वो फुल्ली बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो चुका है, चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि मार्केट यहाँ से डाउन होगा, लेकिन अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करें तो वो चांसेस है। तो लेवल्स है, अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड करता है यहाँ से वापस अप जाएगा डेफिनेटली। जैसे कि होल्ड करने की बात क्या होती है, होल्ड करने का मतलब यहाँ पर देखो बुलिश कैंडल बन रहा है, बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है, तो अगर मार्केट यहाँ पे डाउन आएगा तो अगर कोई भी बुलिश एंगल्फिंग बोलो, आपका बुलिश पिन बार बोलो, आपका डार्क पियर्सिंग पैटर्न बोलो, कोई भी ऐसा रिवर्सल साइन देता है तो वहाँ पर आप एजम्पशन ले सकते हो कि मार्केट यहाँ से वापस आउटसाइड में मूवमेंट लेगा, क्योंकि करंट कैंडल है ना, उसके क्लोजिंग को भी 15 घंटा बाकी है, लेकिन जो करंट सिनेरियो देखने को मिल रहा है यहाँ पर कैंडल के साइज के या शेडो के हिसाब से, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि शायद मार्केट यहाँ से करेक्शन लेगा। तो $7,938 का आप वेट करो, पॉसिबिलिटी से वहाँ तक मार्केट डाउन आएगा, तो एक और एक लेवल मिल रहा है बाय करने के लिए। अगर आप बाय करना चाह रहे हो तो 7,900 पे बाय करो, अगर ये लेवल को होल्ड करता है मार्केट तो ही, अगर होल्ड नहीं करता, क्योंकि चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी हमको करेक्शन देखने को मिल रहा है और एज पर फिबोनाची के हिसाब से भी हमको करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो दो लेवल के हिसाब से करेक्शन है, तो थोड़ा संभल कर आप बाय करो। और अगर आप कंफर्म एक कंफर्मेशन ब्रेक बाय करना चाहते हो, भी आप गारंटी क्या आपको फुली कंफर्म चाहिए कि मार्केट अभी यहाँ से और हायर जाएगा, तो फिर आप 10,500 के लेवल के बाद ही बाय करो, आपके लिए वो हेल्दीएस्ट पोजिशन रहेगा बाय करने के लिए। अगर हम बात करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो मैंने एनालिसिस किया हो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, कहाँ तक मार्केट जाएगा, पॉसिबिलिटीज क्या आपके माइंड में आ रही है, कहाँ तक एक्सपेक्टेशन है आपका पर्सनल, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस, पहले हम वीक बेस में देख लेंगे कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर या कुछ कंसेप्ट हमको देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा पैटर्न या कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके बेस पर हम ये आइडिया ले सके कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक जाएगा, बट अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री को देखें, अगर आप इस लेवल को देखें, इस लेवल को, ठीक है, एग्जैक्टली पिछला जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना था मार्केट उस हिसाब को यहाँ पर हमको थोड़ा बहुत फॉलो होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब पॉसिबिलिटीज है कि जो रैली यहाँ पर देखने को मिला था हमको, वही रैली हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब 83% डोमिनेंस यहाँ पर होने का चांसेस है फिल वक्त में बिटकॉइन का। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से, और मेन चीज़ तो हमारा मार्केट कैप है, ऑब्वियसली बात है मार्केट कैप में अगर पैसा आएगा तो ही हमारे लिए काफ़ी हेल्दी बात है, मतलब हमारे लिए बेस्ट बात है। ठीक है,
मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो मार्केट कैप सेम एज इट इज जैसा बिटकॉइन का स्ट्रक्चर बन रहा था वही हिसाब से मार्केट बिटकॉइन को फॉलो कर रहा है, और चांसेस है कि मार्केट कैप इस लेवल को टेस्ट करेगा, इसके अबव जाएगा तो और अबव हाई जाने का चांसेस है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो मार्केट कैप में अभी कोई क्लियर साइन नहीं है, ठीक है, मार्केट कैप में भी ऐसे कोई क्लियर साइन नहीं कि मार्केट अभी और कितने हाई पर जाएगा। जो जो लेवल है मैंने बिटकॉइन के लिए एक्सप्लेन किया हुआ आपको एज पर चार्ट पैटर्न, एज पर फिबोनाची, एज पर स्विंग पॉइंट्स, उस हिसाब से मार्केट को वॉच करो। अगर उस दौरान किसी भी टाइम पर मार्केट में कोई भी चेंजेस आता है तो डेफिनेटली आपको अपडेट में दे दूंगा, बट उस लेवल को वॉच करो जो लोग बाय करना चाह रहे हैं। दो लेवल मैंने बताया वो फिबोनाची के बेस पर 7938 डॉलर के करीब, और एज पर मार्केट स्ट्रक्चर पैटर्न के हिसाब से मार्केट का 10500 डॉलर के करीब। ये दो लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बिटकॉइन को परचेज करने का सोच रहे हैं, लेकिन ये लेवल पर तभी बाय करना है जब आपको कैंडल स्टिक कन्फर्मेशन मिले तभी, अदरवाइज नहीं बाय करना है। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका है बिटकॉइन और मार्केट कैप को लेकर। जो लोग फिलहाल फुल्ली बुलिश हो चुके हैं बिटकॉइन को लेकर, तो मेरे हिसाब से मैं भी फुल्ली बुलिश नहीं हुआ हूं, क्योंकि मार्केट कैप का ये लेवल ब्रेकआउट होना बाकी है, बिटकॉइन का सेम वही 10500 का लेवल होना ब्रेकआउट होना बाकी है। अगर वो लेवल ब्रेकआउट होता जब हम टोटल कन्फर्मेशन के साथ एजम्पशन लेंगे कि मार्केट अभी बुलिश हो चुका है, फिल वक्त में अभी तक हम बुलिश बिटकॉइन के ऊपर नहीं हुए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुकी है, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पॉसिबिलिटीज के साथ अपडेट देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में तब बनाऊंगा जब मार्केट में कोई ना कोई मेजर चेंजेस होगा, क्योंकि आप सभी को पता है मेजर चेंजेस जब आता है मैं तभी वीडियो बनाता हूं। मैं लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैं 8000 लेवल जब ब्रेकआउट लेगा तभी आपको अपडेट दूंगा मार्केट नेक्स्ट मूवमेंट क्या ले सकता है। अभी करंट अपडेट आपको दे चुका हूं, नेक्स्ट वीडियो आपको आने वाले टाइम के अंदर मिल जाएगा जब मार्केट में कोई मेजर चेंजेस अवेलेबल होंगे। सो गाइस वीडियो को यही एंड करना चाहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।